चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में खुशी मनाई गई। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी और इसरो की टीम के लिए बधाई संदेश भेजे। इस बीच अब खबर आ रही है कि भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचाने वाली इसरो टीम का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार खास सम्मान करने वाली है। कर्नाटक विधानसभा में इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए 2 सितंबर को विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में इसरो का दौरा किया और वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। डीके शिवकुमार को चंद्रयान परियोजना के बारे में जानकारी दी गई और वैज्ञानिकों के बीच सार्थक खुशी के क्षण देखे गए। इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि चंद्रमा पर विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने की आपकी उपलब्धि सराहनीय है। आप भारत का गौरव हैं। परियोजना के लिए कड़ी मेहनत करने वाले इसरो के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रयास अविस्मरणीय हैं। इसरो को उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्होंने बधाई दी। वहीं चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार इसके लिए इसरो की टीम को आधिकारिक तौर पर सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क का दौरा किया और सफल लैंडिंग के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और उनकी टीम को बधाई दी। सिद्धारमैया ने इसरो वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत की और उनकी उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा सरकार विधानसभा के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करके इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ और उनकी टीम को आधिकारिक तौर पर सम्मानित करेगी। कर्नाटक के लगभग 500 वैज्ञानिक इस मिशन का हिस्सा थे। सिद्धारमैया ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि इसरो की पहल के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी को देश का गौरव करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इस उपलब्धि के लिए दिन रात मेहनत की। इस परियोजना में देश के कुल 1000 वैज्ञानिक शामिल हैं और लगभग 500 लोग बेंगलुरु से ही हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह की तारीख 2 सितंबर के बाद तय की जाएगी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतर गया था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं शनिवार को पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि जिस जगह चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने टच डाउन किया है अब से उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।